नमस्कार, मैं हूं दिबांशी मोइत्रा। बॉलीवुड में हर साल कई एक्टर्स डेब्यू करते हैं। कुछ अपनी पहली फिल्मों से हिट हो जाते हैं तो कुछ की पहली फिल्म ही फ्लॉप हो जाती है। वही आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे उन बाप बेटों के जोड़ियों के बारे में जिनके पिता की डेब्यू फिल्म तो रही हिट लेकिन बेटे का डेब्यू रहा फ्लॉप। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भले ही सात हिंदुस्तानी से एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में डेब्यू किया लेकिन उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके अलावा इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया था। वहीं बात करें अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की तो उन्होंने बतौर लीड हीरो के रूप में साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और अभिषेक बच्चन के डेब्यू पर फ्लॉप का थप्पा लग गया। ऋषि कपूर, रणबीर कपूर। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी को कोई कैसे भूल सकता है। उस फिल्म का एक सॉन्ग हम तुम एक कमरे में बंद हो आज भी काफी पॉपुलर। ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी 1973 की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई थी। वहीं बात करें ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर की तो उन्होंने साल 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में रणबीर की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और रणबीर के डेब्यू पर भी फ्लॉप का टैग लग गया। हालांकि रणबीर कपूर एक सुपरहिट एक्टर है और उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है लेकिन वो अपने पापा ऋषि की तरह हिट डेब्यू नहीं कर पाए। मिथुन चक्रवर्ती, महाक्षय। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1976 में आई फिल्म मृग्या से डेब्यू किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता था। वहीं मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती ने साल 2008 में आई फिल्म जिमी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था लेकिन महाक्षय की पहली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली। बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली ने बॉलीवुड फिल्म दयावान से एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में डेब्यू किया था। ये फिल्म उस साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक साबित हुई थी। इसमें आदित्य पंचोली ने असिस्टेंट कमिश्नर की भूमिका निभाई थी। वहीं आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली ने सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में 2015 में बनी फिल्म हीरो से बॉलीवुड डेब्यू किया था जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सनी देओल, करण देओल। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब कई लोगों की फेवरेट है। सनी पाजी की डेब्यू फिल्म बेताब साल 1983 में रिलीज हुई थी। सनी देओल की ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई जो कि एक रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म थी। वहीं उनके बेटे करण देओल ने साल 2019 में पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू किया था जिसे सनी देओल ने ही डायरेक्ट किया था लेकिन करण की डेब्यू फिल्म फ्लॉप हो गई। जो चार्म सनी देओल ने अपनी डेब्यू फिल्म में दिखाया था वो उनके बेटे करण देओल अपनी डेब्यू फिल्म में नहीं दिखा पाए और उन पर भी लग गया फ्लॉप डेब्यू का टैग।